हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नेक पेन ब्लूटूथ के ऊपर ही वीडियो बनाने वाला हूं, जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों, मैं फिर भी आपको बता दूं कि अभी हमारे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये नेक पेन ब्लूटूथ है, जो कि अलग अलग कंपनी का है। ठीक है, जैसा कि मेरे पास में अभी आपको दिखा दे, ये मेरा एक बोट कंपनी का है और सोनी लैक्स और कोर वगैरह जो भी है लोकल कंपनी का, दोनों का यहाँ पे मेरे पास में नेक बैंड ब्लूटूथ है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि इसका जो माइक का जो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जैसा कि आप बात करते हैं और सामने वाला पर्सन को सुनाई नहीं दे रहा है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं और जो जिससे बात कर रहे हैं उनको आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, तो उस वीडियो में क्या होता है ना कि माइक खराब होता है। ठीक है, माइक खराब होता है ना, तो माइक आप कैसे रिपेयर कीजिएगा या रिपेयर करवाइएगा। ठीक है, अगर आप रिपेयर करते हैं तो कौन सा माइक इसके अंदर में होगा। अगर ये माइक आपको मार्केट में ना मिले तो इसके जगह पर आप दूसरा माइक कौन सा यूज कीजिएगा, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, और इसका इसके अंदर में जो माइक होता है उसको भी मैं दिखाऊंगा और उसको आप रिपेयर करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास में अभी एक बोट का है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें देखिए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ना बोट लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये बोट लिखा हुआ है, तो ये बोट कंपनी का। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फिर देखते हैं कि इसमें माइक कौन सा लगा हुआ है, किस टाइप का लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नखून से किए तो यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे सीन है। ठीक है, तो इधर में देख लीजिए और इस साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे ठीक है सीन है। तो दोस्तों इसमें माइक कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे माइक आपको छोटा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुंदा बुंदा यहाँ पे जो हॉल दिखाई दे रहा है यही माइक है। ठीक है, तो दोस्तों ये माइक बोट कंपनी के नेक बैंड ब्लूटूथ के अंदर में अभी हमको दिखाई दिया। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा कंपनी को नेक बैंड ब्लूटूथ ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं मेरे पास में ये सोनी लैक्स का है, तो ये बिल्कुल देखिए ये वर्किंग में है, तो देखिए ये वर्किंग में है, तो इसको ओपन करते हैं, उसके बाद में फिर आपको हम दिखाते हैं इसमें करते हैं, इसको ऑफ करने करके फिर इसको कवर को हटाते हैं, कवर हटा के फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर में कौन सा माइक लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से ओपन कीजिएगा, तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर में सीन है। तो देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये माइक है मेरा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी MIC माइक, तो ये माइक है, तो बोट और इसमें दोनों में एक ही तरह का माइक है। ठीक है, और मेरे पास में दो तीन बोर्ड है जो कि नेक बैंड ब्लूटूथ की है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें भी सेम यहाँ पे माइक लगा हुआ, और इसमें दिखा दूँ आपको तो इसमें भी सेम तरह का बोर्ड लगा, देखिए माइक लगा हुआ, देखिए इस बोर्ड में भी सेम माइक है और इसमें भी देखिए वैसा ही माइक है। तो दोस्तों ज़्यादातर नेक बैंड ब्लूटूथ में ना आपको इसी तरह का जो लोकल आता है उसमें भी आपको इसी तरह का माइक आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस माइक को आप मार्केट से परचेज कीजिए, अगर आपको इस ये माइक नहीं मिलेगा तो इसके जगह पर आप कौन सा माइक यूज कीजिएगा उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और इस रिपेयर करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम फटाफट इस माइक को हटाते हैं। ठीक है, और हटाने के बाद कौन सा माइक इसकी जगह पर हम लगाएंगे वो आपको बता देंगे। तो दोस्तों कुछ कुछ बोट कंपनी या अदर कंपनी में माइक जो होता है ना वो 4 लेग का होता है। ठीक है, तो वो आपको सैमसंग जैसा कि जियो वगैरह में जो माइक लगता है वो वहाँ पे लग जाएगा 4 लेग में, लेकिन फिलहाल मेरे पास में जो है वो ये माइक है, तो इसी माइक को मैं आज रिपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको हटाना है और फिर उसके बाद में इसके जगह पर कौन सा माइक आपको लगाना है। तो चलिए हम फटाफट इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करके फिर आपको दिखाते हैं कि कौन सा माइक लगेगा इसी जगह पर। तो दोस्तों इस माइक को हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए आपके पास में सोल्डिंग आयरन हो तो उससे भी इसको हटा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रखिएगा तो खुद ब खुद ये गर्म होकर ये हट जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसको फटाफट यहाँ से रिमूव करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप रखिएगा और देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखिएगा तो खुद ये हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद में खुद देखिए ये मेरा जो जिस पे रखे हैं वो मेरा सोल्डिंग आयरन है 60 वाट का, तो कुछ इसी प्रकार से आप लोग रखिएगा और हल्का हल्का देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे ये अच्छा तरीका से देखिए यहाँ पे ये हट गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
अब देखिए ना कितना अच्छा तरीका से ये रिमूव हो गया। तो देखिए एक बीच पॉइंट है और साइड 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 से जो है ये सब आपस में जुड़ा हुआ रहता है और बीच में जो पॉइंट है ठीक है वो मेरा प्लस पॉइंट हुआ। ठीक है तो अब दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सा माइक लगाएंगे। ठीक है होता है कि मार्केट में जल्दी ये माइक मिलता नहीं है, तो इसके जगह पर आप कौन सा माइक इसके अंदर में लगाइएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास में देखिए कुछ इस प्रकार का माइक है। देखिए ये माइक आपको मार्केट से ले लेना है, ये यूनिवर्सल माइक है। ठीक है तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा ये चाइनीज में भी रखता है, तो चाइनीज वाला लगेगा तो आपको इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है और ये माइक आपको 100% इसमें वर्क करेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल माइक है। तो आपको इसी प्रकार का माइक लाकर और यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो कैसे लगाना है, इसका कनेक्शन कैसे करना है, चलिए हम फटाफट आपको बता देते हैं। ठीक है तो इसको हम निकालते हैं एक पीस और फिर आपको हम बताते हैं कि इसका कनेक्शन किस प्रकार से करना होगा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का माइक है, तो इसको कनेक्शन हम करके फिर आपको दिखाते हैं इसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं और जो यहाँ पे जैसा कि आपको बीच का जो पॉइंट है वहां पे रेड वायर जुड़ेगा। ठीक है तो रेड वायर को आराम से वहां पे जोड़ लीजिएगा। ठीक है और फिर हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे जो रेड वायर है उसको आप बीच के जो पॉइंट है उसमें जोड़ लीजिएगा और जो ब्लैक वायर है वो चारों ये है ना आप किसी में एक में जोड़ लीजिएगा, फिर आपका ये वर्क करने लगा। तो देखिए यहाँ पे ये कितना अच्छा से यहाँ पे ये जुड़ गया। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो रेड वाला है ये जो साइड साइड से है चार उसमें ना ये कनेक्शन इसका मतलब टच ना हो सके। ठीक है नहीं तो वर्क नहीं करेगा। तो चलिए हम इसका एक कनेक्शन तो कर लिए हैं और एक कनेक्शन और करके दिखाते हैं हम आपको। तो जैसा कि देख रहे हैं इसको हम साइड में कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरा अच्छा तरीका से यहाँ पे सोल्डिंग हो चुका है वायर को। तो कुछ इसी प्रकार से आपको कनेक्शन कर लेना होगा। ठीक है तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पे जो बीच में है उसमें आपको रेड वायर जो है कनेक्शन कर लेना होगा और ब्लैक वायर जो आपका ये साइड साइड से जो फोर था उसमें आपको कनेक्शन कर लेना है। ये 100% वर्क करेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल माइक है। ठीक है लोकल माइक अगर ऐसा ही मिलाइएगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो फिर आप कहिएगा कि मतलब जो बताए हैं वो फेक बताए, फेक नहीं है, जो चीज़ है वो रियल में मैं इसको यूज कर चुका हूँ और मैं खुद रिपेयर करता हूँ इसलिए मैं आपको बताया हूँ। ठीक है तो आई होप अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला है तो आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट और लाइक कर ही दीजिएगा। देखिए एक लाइक कर दीजिएगा।